अवसाधन निस्तारण विधि, निस्यंदन विधि। अब हम पढ़ेंगे अवसाधन, निस्तारण और निस्यंदन की विधि के बारे में। हमने एक बीकर में तालाब का मटमैला पानी लिया है और इस पानी को हम अवसाधन, निस्तारण और निस्यंदन के द्वारा साफ करेंगे। आप देख सकते हैं इस पानी में बहुत सारी मिट्टी व अन्य अशुद्धियां मिली हुई हैं। हम इस पानी को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना हिलाए डुलाए और कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करते हैं। अब हम इस पानी को देखते हैं। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि मिट्टी के सारे कण बर्तन की तली में बैठ गए हैं। इस प्रक्रम को हम अवसादन कहते हैं। जब किसी द्रव में घुले हुए भारी कण तली में आकर बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रम को हम अवसादन कहते हैं। अब हम इस बर्तन को ज़्यादा हिलाए डुलाए बिना इस द्रव को दूसरे बर्तन में निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हम निथारना या निस्तारण कहते हैं। यह प्रक्रिया करते हुए हमें ध्यान रखना है कि तली में बैठे हुए मिट्टी के कण पानी के साथ ना आएं। देखिए, आप देख सकते हैं बीकर में मिट्टी के कण पीछे रह गए हैं और इस बीकर में अपेक्षाकृत साफ पानी हमारे पास आ गया है। अब हम एक कीप लेते हैं और कीप में फिल्टर पेपर या रुई लगाते हैं। मेरे पास फिल्टर पेपर नहीं है, मैंने रुई लगाई है। यह रुई भी फिल्टर यानी कि छानने का काम करेगी। अब हम इस निथारे हुए पानी को इस कीप में धीरे धीरे करके डालते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। जो भी मिट्टी के बचे हुए बारीक कण थे वह इस रुई में रह गए हैं और इस बीकर में हमें अपेक्षाकृत साफ पानी मिला है। इस प्रकार से हम गंदले या मिट्टी मिले हुए पानी को या बारिश के पानी को पीने लायक बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को एक बार दोबारा से बता रही हूँ। पहले हमने गंदले पानी को एक बर्तन में लिया और उसको बिना हिलाए डुलाए काफ़ी देर तक रख दिया। जब मिट्टी के कण तली में बैठ गए तब हमने एक अन्य बर्तन में पानी को निकाल लिया। इस प्रक्रिया को हमने निस्तारण या निथारना कहा। निथारे हुए पानी को कीप में रुई या फिल्टर पेपर लगाकर साफ कर लिया और इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहा जाता है।